नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं तानाजी वर्सेस दंगल डे 18 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन दोनों फिल्मों का 18वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और साथ ही साथ बताएंगे 18वें दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दंगल फिल्म की। दोस्तों दंगल एक बायोपिक फिल्म थी जो कि आधारित थी महावीर सिंह जी फोगट और उनकी बेटियां गीता और बबीता पर, और इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे नितेश तिवारी, और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने। और इस फिल्म के स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुपरस्टार आमिर खान, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा और अपार शक्ति खुराना जैसे एक्टर्स। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बहुत ही धमाकेदार रिव्यूज मिले थे और धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला था। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही बहुत पसंद किया था, बहुत प्यार किया था, और इस फिल्म को बहुत तारीफें मिली थी, और आमिर खान सर को बहुत ज्यादा तारीफें मिली थी, और साथ ही साथ फातिमा सना शेख, अपार शक्ति खुराना और सानिया मल्होत्रा को भी बहुत पसंद किया गया था, बहुत तारीफें मिली थी। और दोस्तों इस फिल्म का बजट था लगभग 70 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 70 करोड़। और दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धुआंधार धमाकेदार ताबड़तोड़ कमाई की थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और अगर बात करें इसके 18वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें इसने अपने 18वें दिन इंडिया नेट पर कमाए थे लगभग 4 करोड़ 35 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 4 करोड़ 35 लाख। और आइए अब बात करते हैं तानाजी फिल्म की। दोस्तों तानाजी एक बायोग्राफिकल पीरियड एक्शन फिल्म है जो कि आधारित है तानाजी मालुसरे के जीवन पर। और दोस्तों तानाजी मालुसरे मराठा सेना के वीर योद्धा थे, और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है ओम राउत ने, और इसे लिखा है प्रकाश कपाड़िया ने, और इसे प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, भूषण कुमार और किशन कुमार ने। और इसके स्टार कास्ट में मुख्य किरदारों में नजर आए हैं सुपरस्टार अजय देवगन सर, सैफ अली खान, काजोल, शरद केलकर और भी कई सारे एक्टर्स। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बहुत ही शानदार रिव्यूज मिले, और ऑडियंस का बहुत ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला। और दोस्तों इस फिल्म को दो भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी और मराठी, और इसे रिलीज किया गया है इंडिया में लगभग 3,880 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 660 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 4,540 स्क्रीन पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने बहुत ही शानदार ओपनिंग लेते हुए अभी तक बहुत ही धुआंधार धमाकेदार कमाई की है। और दोस्तों आपको बता दें कि तानाजी द अनसंग वॉरियर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और ये बहुत ही जल्द ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का बस इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि इसके सामने कोई भी फिल्म दम नहीं भर पा रही है। चाहे कितनी ही नई फिल्म क्यों ना आ जाए, तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म की कमाई रुक नहीं रही है, ये बहुत ही शानदार कमाई कर रही है। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो आपको बता दें कि अपने 18वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 6 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 6 करोड़। और अगर बात करें 18वें दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी, तो दोस्तों आपको बता दें तानाजी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, तानाजी फिल्म ने मारी बाजी। दोस्तों अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी है, तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, दंगल या तानाजी? इन दोनों में से किस सुपरस्टार का काम आपको ज्यादा अच्छा लगा, आमिर खान या अजय देवगन? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।